जौनपुर में एक युवक को टिकटॉक पर वीडियो बनाने की कीमत अपनी जान देकर चुकाना पड़ी। बताया जा रहा है कि जब वो वीडियो बना रहा था तो उसे पुलिस ने पकड़ लिया। आरोप है कि पुलिस ने उसे वहीं पर पीटना भी शुरू कर दिया और फिर सरेआम पीटते हुए घर तक लाए। 20,000 देने का उस पर दबाव भी बनाया, जिसकी वजह से युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक के पिता ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामला नगर कोतवाली के मुल्ला टोला का है। हमारे बच्चे को पुलिस पकड़ के लेके गई, मारी पीटी से लेके आई यहाँ तक के, और जो है इसके अब्बा भी डांटिन बोलिन, ओके बाद में कहीं 20,000 रुपया दो, और मोबाइल छीन ली, मोबाइल खातिर 1,000 रुपया मोबाइल का ली ना दी, ओके बाद जो है कि हम गवा उधर फिर उधर से लौट के आया, 20,000 रुपया मांग रहा है लड़के लड़का, वही वजह से बैठा हम समझाओ बुझाओ, ओके बाद में हमारा भैया उठा भी रहा, हम चले गए बाहर, ओके बाद गया फांसी लगा ली। तो अंदर लेके आए, सभासद आए, सभासद के सामने बात भाई, वो हमसे 2,000 रुपया मांग के लेके गए, हमने 2,000 रुपया दिया, 2,000 के बाद सभासद इधर चले गए, इधर से पुलिस वाले घूम के इधर से वापस आए, कहने हमको 20,000 रुपया नहीं दोगे शाम तक के, तुम्हारे लड़कों को हम पकड़ के लेके चले जाएंगे, और उसका मोबाइल भी छीन के लेके। ये अलीगढ़ है, अलीगढ़ से वहाँ से आए थे लोग, वहाँ पे जो भी बात थी टिकटॉक बना रहे थे, तो वहाँ से पुलिस आई थी, मारपीट की है, इसकी जाँच है, जाँच होगी, जाँच का विषय है, जाँच में जो भी पाया जाएगा उसका।